Hey, सभी ध्यान से सुन लो, कान में तेल डाल के चुपचाप बैठे रहो सब, वरना रंगा तुम लोगों के 34 इंच की छाती में 2 इंच की गोली भर देगा, समझ गए ना? हे मैनेजर, अपनी जगह से एक कदम भी मत हिलना। अरे बाप रे, नहीं नहीं भैया, हम लोग कोई कुछ नहीं करेंगे, आपको जो अच्छा लगे वही आप ले सकते हैं, कुछ भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं, वॉल्ट को फॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें आप कुछ मत कीजिए भैया, हम बहुत डरे हुए हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? आए, आए। ज्यादा बकवास मत कर समझा? अरे ज्यादा बकवास करने से मेरे सीने में दर्द होता, समझा? अरे बीच बीच में मैं रो भी देता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, ये सब रोना धोना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है भैया, प्लीज हम लोगों को छोड़ दीजिए भैया। अरे जल्दी करना बुड्ढे। ये लो चाबी, अब मुझे छोड़ दो। वो कहते हैं ना चाचा, तू पहले अपनी जान बचा। ए, कौन है? कौन क्या बोला रे? आ, क्या बोला तू? हिम्मत है तो फिर से बोल। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। लगता है आज मैं नहीं बच पाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। अरे कुछ नहीं कहा भैया, आप अपना काम कीजिए ना भैया, हम सब मिलकर आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये लीजिए 10, 10, ये लीजिए 20, 20, 30, 30, 40, 40, कुछ जेवर हैं, लेंगे क्या? दे दे, ले लीजिए, और क्या चाहिए भैया, सिर्फ हमें जान से मत मारिएगा। अपना मुंह बंद कर और बटुआ निकाल। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जिंदगी में मैंने बहुत बैंक लूटे हैं, मगर इस तरह का बैंक माँ कसम मैंने जिंदगी में कभी नहीं लूटा। साला, अब मैं ये नदी कैसे पार करूंगा? अरे ये तो बाटुल लग रहा है, साले का बदन जैसा मोटा है, उसका दिमाग भी वैसे ही मोटा है। अरे भाई बाटुल, क्या तुम मुझे जरा नदी के उस पार पहुंचने में मदद करोगे? दरअसल में ना नदी के उस पार गांव में मुझे कुछ दवाइयां पहुंचानी है, समझे बाटुल? तुम अगर मेरी मदद करोगे ना तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अरे अरे जरूर, तुम इतना बड़ा काम करने चले हो गांव के लिए और मैं तुम्हारी एक छोटी सी मदद भी नहीं कर पाऊंगा? मैं हूँ बाटुल, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इस लंबे पेड़ को मैं नीचे कर देता हूँ और तुम नदी पार करके उस पार चले जाना, उसके बाद वहाँ जाकर जल्द से जल्द दवाइयाँ दे देना। ये लो, ये मैंने नीचे कर दिया। अच्छा तो मैं चढ़ू पेड़ पे चढ़ू अब? अच्छा बेवकूफ है, बाटुल का दिमाग बिल्कुल खाली है। बाटुल लेकिन बहुत शक्तिशाली है, इतनी आसानी से इस पेड़ को हिला दिया, बहुत ताकतवर है। ए बाटुल, तुम्हारा जवाब नहीं भाई, चलता हूँ। अच्छा ठीक है। मैं भला कुछ नहीं करता, पर लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं तो इतनी छोटी सी बात पर कोई खुश हो जाता है। अरे बाटुल, तुमने क्या किसी डाकू को देखा है क्या? वो डाकू बैंक का सारा रुपया लेकर भाग गया। हाय हाय हाय, अब क्या होगा रे बाटुल? जात तेरी, मैंने दवाइयाँ भेजने के बजाय किसी बैंक लुटेरे की मदद कर दी। अरे रे, इससे और खराब कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा मुझे। अरे क्या होगा रे? कांस्टेबल साहब, मैं आपको ठीक उसी तरीके से नदी पार करवा दूंगा। ये
ये लीजिए ये लीजिए, जल्दी जल्दी आइए जल्दी आइए, उसे पकड़िए जाकर। बटुल, थैंक यू बटुल, थैंक यू। अरे ये क्यों क्या, अरे अरे मुझे गुदगुदी हो रही है बहुत, अरे अरे बहुत गुदगुदी हो रही है मुझे, अरे बहुत परेशानी हो जाएगी। अबे हराम जादे बटुल, ये तुमने क्या कर दिया रे, अरे तूने मेरा कचूबर निकाल कर रख दिया रे, अरे बाप रे बाप, तूने तो मुझे बिल्कुल ऑफ ट्रैक कर दिया रे। अरे चोर को छोड़, मैं पहले तुझे ही जेल में डाल दूंगा। अरे अब मैं यहाँ से उतरू कैसे, अरे यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। अरे तेरी, कांस्टेबल तो चौकी के छत पर जाकर गिर पड़ा और यहाँ वो बैंक लुटेरा नौका में बैठ के भागने की कोशिश कर रहा है। बटुल बहुत बड़ा बेवकूफ है, अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, रंगा भागेगा नौका लेके, भाग जाऊंगा बहुत दूर, रंगा भागेगा नौका लेके, रंगा भागेगा नौका लेके। अच्छा ठीक है, मैं इस बड़े से पोस्टर को अपने काम में लगाता हूँ, रुक जा देखता हूँ पानी का बहाव मैं अपनी तरफ कर पाता हूँ कि नहीं। अरे 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 ये क्या हुआ, उल्टी तरफ नाव क्यों जा रही है, अरे 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 उल्टी क्यों जा रही है, अरे 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 उल्टी क्यों जा रही है नाव, अरे 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 क्या हो रहा है, अरे समझ नहीं पा रहा हूँ, अरे 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 ये अरे मैं कहाँ से बजा रहा हूँ, अरे अरे बाप रे, अरे क्या हो रहा है, अरे अरे कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, अरे 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 अरे। और कैसे हो दोस्त, अरे ये तो मोटा बाटुल है, आओ जरा उतर आओ बेटा, इसके पीछे इसका हाथ है, तुम्हारी नाव में किस तरह की दवाई रखी है जरा देखूं तो, लगता नहीं कि अब मैं बच पाऊंगा, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ एक बार, तुम्हें पकड़ के थोड़ा इलाज करना होगा मेरे भाई, वरना तेरे जैसी बीमारी किसी और को ना लग जाए, आओ उतरो उतरो आओ। ए बाटुल, अरे मेरे पास ना बहुत रुपया है, ऐसा करते ना कि हम लोग दोनों आधा आधा बांट लेते हैं, 50-50। अच्छा अच्छा, तुम इस पैसे का हिस्सा दोगे वो भी बाटुल को, अब तुम्हारा इलाज सिर्फ दवाई से नहीं होगा मेरे दोस्त, मुझे लगता है अब तुम्हें फर्स्ट डिग्री के बजाय सीधा थर्ड डिग्री देनी पड़ेगी मेरे मुन्ना, शुरुआत में मैं तुम्हें थोड़ा पानी में डुबाऊंगा, ये होगी तुम्हारी पहली खुराक, और बताओ कैसा लग रहा है, बताओ बताओ पहला खुराक कैसा लग रहा है, ये लो और मजे, और चोरी करोगे बोलो, अब तुम्हारे साथ मैं थोड़ा उछल कूद खेलूंगा, तभी तो मेरा शरीर थोड़ा गर्म होगा, बहुत दिन हो गए मैंने थोड़ी उछल कूद नहीं की। ये लो और बताओ और चोरी करोगे, या मजा आया मेरे दोस्त, चलो अब तुम अपनी नौका के साथ हवालात में जाकर हवा खाओ। नहीं नहीं, ये मैंने कुछ ज्यादा ही दूर फेंक दिया, ये नजारा अगर मेरे पलटन लोग देखते तो देखकर बहुत खुश हो जाते। अरे बाटुल,
मुझे छत से नीचे उतारो। अरे नहीं तो उस चोर को जेल में कैसे डाल पाऊंगा। अरे 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 नहीं नहीं कांस्टेबल साहब, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए, पर कभी कभी गुदगुदी मुझे परेशानी में डाल देती है। आप कूदिए, मैं फटाक से कैच कर लूंगा। चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे, बहुत मस्त कैच करता हूँ। डरिए मत, बस कूद जाइए। अरे कूदिए ना, कूदिए। अरे अरे डरिए मत, अब मुझे कोई गुदगुदी नहीं कर सकता। वाह, मैं तो जिंदा बच गया। तुम्हारी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। अब बताओ कहाँ है वो डाकू? हाँ, उसकी सबसे पहले धुलाई करूँगा। दो 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 अब बाटुल, अब ये बैंक का पैसा दो, मैं बैंक में जमा करूँगा। ये पैसे का बस्ता आपको संभालने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत भारी है, मैं देख लेता हूँ। आप बस उस लुटेरे को जाकर अच्छी तरह डोज दीजिए। अच्छा ठीक है बाटुल, अब मैं उस डाकू को पुलिस के डंडे का जादू दिखाऊंगा। चलता हूँ, बैंक का पैसा बैंक में डाल आता हूँ। ये लीजिए मैनेजर साहब, आप अपने लॉकर में अपना बैंक का पैसा संभाल कर रख दीजिए। बाटुल, मैं क्या कहकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बाटुल? आज तुमने मेरी नौकरी बचा ली है बाटुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बाटुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अब ऐसा कौन सा काम कर दिया जो आप मुझे इतनी बार थैंक यू कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं किया। अच्छा चलता हूँ मैनेजर साहब।